नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। क्यों है ना ब्यूटीफुल? तो इसी ब्यूटीफुल जंगल के बीच इस पर्वत शिखर पर रहती है हमारी पहाड़ों वाली माँ कोसगाई दाई, जो कोरबा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रकृति की गोद में समाई यह मंदिर कोणीखोह नामक गांव में स्थित है। प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर माता जी का बुलावा आ ही गया है तो चलिए ऊपर चलकर हम आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। किस्मत वाले होते हैं। जय माता दी। तो हेलो गाइस, मैं हूं नितेश और आज हम आपको दर्शन करने के लिए ले जा रहे हैं कोसगाई दाई मंदिर कोरबा। अगर आप एक माउंटेन लवर हैं तो यहां आपको ज़रूर आना चाहिए, ये जगह आपका मन मोह लेगी। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा इसकी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। इस मंदिर को 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जिसके पहाड़ की ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक बताई जाती है। इस जगह के बीचों बीच एक पानी का स्रोत है जो कभी भी नहीं सूखता है और पानी का स्वाद बहुत ही मीठा है। पहाड़ के एक छोटे से हिस्से में माँ विराजित है और इस पहाड़ की चोटी पर वो मंदिर बनी हुई है, जहाँ से प्रकृति का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है और एक माउंटेन लवर के लिए ये एक ट्रीट है। क्या आपको इस जगह को देख के किसी जगह की याद आ रही है? क्या आपको ये जगह हरिहर फोर्ट की याद नहीं दिलाती? तो फोर्ट से याद आया, ये पहले किसी राजा का किला हुआ करता था। इतिहास के अनुसार यह एक किला था जो कि अब ध्वस्त हो चुका है, जिसे पहले कोसगईगढ़ के किला के नाम से भी जाना जाता था। उस समय लगभग 12वीं शताब्दी में रतनपुर के राजा बाहरंद्र ने अपना खजाना चुरारी जमींदारी के इस अंदर इसी कोसगईगढ़ के किला में छुपा दिया था। बाद में इस जगह पे माँ के मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ पे माता निवास करती है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई है, जिसमें छत का निर्माण नहीं हो पाया है। तो गाइस, ये बहुत ऊपर है, हम लगभग 500 सीढ़ी ऊपर आ चुके हैं, अभी भी बहुत ऊपर जाना है। तो कोसगाई मंदिर के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। ऐसी मान्यता है कि माता जी का मंदिर एक ही रात में बनाया जाना था, परंतु पूरा नहीं हो पाने की वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कोसगई माँ वहाँ से बीच बीच में कहीं चली जाती हैं तथा नवरात्रि के समय अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए वापस आ जाती हैं। क्या आपको पता है, माता जी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है और माता जी के सम्मान के रूप में यहाँ सफ़ेद कपड़ा ही चढ़ाया जाता है। चूँकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है।
फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा आराम करने के लिए रुका हूँ। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि बहुत नीचे से हम आ रहे हैं। लगभग 700-800 सीढ़ियाँ पूरी हो चुकी है, अभी भी 300-400 सीढ़ियाँ ऊपर बची है। तो चलिए ऊपर चल के मैं आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर को चढ़ने के लिए आपको लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और कहीं कहीं पर ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर आपको कोसगई दाई के दर्शन करने हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही आपको कोसगई दाई का आशीर्वाद थोड़ी मिल जाएगा। तो गाइस, फाइनली हम मंदिर परिसर में आ गए हैं। यहाँ से जो है मंदिर शुरू होता है। चलिए चलते हैं ऊपर, फिर मैं आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ।